दरबार सांवरिया
बात पर। जो नहीं जुड़े उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगी, आज दरबार में बाबा से ये चीज बोलकर जाना कि बाबा तेरे दरबार में आए ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सी कृपा कर कि मेरा हाथ पकड़ ले और जीवन भर मत छोड़ना। उस इतनी सी कृपा में आपके वारे नारे हो जाएंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो मिल जाएगा आपको। ऐसा बाबा से आज कह देना। और इस दरबार से जुड़ने के बाद जिसको जीवन जीने में आनंद आ रहा है, जरा एक बार वो हाथ उठाओ और बाबा की तरफ देख के बाबा से कहो क्या कि बाबा मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझ खाक से उठा के बैठा दिया पलक पे, मुझ खाक से उठा के। हमारी इतनी औकात नहीं है कि जो हमें खाने के लिए दे रहा है, जो हमारा जीवन चला रहा है उसको हम अपना यार बना लें, है क्या? यारी दोस्ती हमेशा या तो बराबर वालों से होती है या छोटों से बड़ों से कभी यारी दोस्ती हाँ होती है क्या? नहीं होती ना। इसलिए ये नहीं कहना बाबा से, ये कहना कि बाबा तेरी दातारी ने मुझे तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये उठाने पूरे पूरे हाथ भरते दातारी अर्पण प्रभु सारो। कि बाबा जब आपको मैं घर बुलाऊंगा ना तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बाबा, जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है बाबा, लेकिन फिर भी जो मेरे पास है ना ठाकुर, अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगा बाबा। इसके दरबार में कहते हैं ना कि ना अभाव में आता है ना प्रभाव में आता है, बाबा जब जब आता है केवल अपने भक्तों के भावन में आता है। अगर इसके दरबार में इसने आपकी उंगली पकड़ ली है ना प्रेमी, सुनिएगा बड़े गौर से, इसके दरबार में अगर इसने कहते हैं ना कि हमारे जैसे उसके पास इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है, लेकिन बाबा हमारे पास तो केवल तेरे जैसा एक तू ही है ना बाबा, है कि नहीं? जरा ताली बजाओ। अगर मस्ती करनी है तो बिल्कुल पीछे चले जाना, ठीक है? ऐसे प्रेमियों की दरकार नहीं दरबार में जिनको मस्ती करनी है, क्योंकि ये मस्ती करने का दरबार नहीं है। इसके दरबार में बैठो तो मर्यादा का पालन करके बैठो, नहीं तो आपकी कोई दरकार नहीं है बाबा को, है ना? शांति बना के। ओ भैया मैं आपको पीछे, अगर ठाकुर ने आप पर कृपा कर दी तो घमंड मत करना कभी भी, क्योंकि इसके दरबार में घमंड बिल्कुल नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि खुश हो जाए अगर सांवरा, कि खुश हो जाए अगर सांवरा हर ठाट देता है और ज्यादा उड़ने वालों के परिये काट देता है। ऐसा ठाकुर है ये प्रेमियों, जरा ताली बजाओ। अगर देने पे आएगा ना बाबा
तो इतना दे देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस दरबार की अगर बाबा लेने पे आ गए ना प्रेमियों, तो बदन की चमड़ी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा देव दयालु है मेरा श्याम। इसलिए कहते कि इसके दरबार में अगर उंगली पकड़ के यहाँ उसने खड़ा किया है ना, तो इतना घमंड मत बताओ कि किसी दिन वो इस लायक बना दे कि आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहे। सर एक बार ऐसे हाथ उठाओ बाबा से और कहना कि ठाकुर तूने मेरा हाथ पकड़ा है ना, इसके लिए तेरे लिए 100 जन्म भी कुर्बान कर दूं तो बहुत कम है बाबा, क्योंकि तूने जब से उंगली पकड़ी ना मेरे जीवन के वारे न्यारे हो गए बाबा। जो लोग मुझे देखकर मुंह समेटते थे ना बाबा, पलटने भी नहीं देखते थे, आज वो मेरा हाल पूछने के लिए मुझे मैसेज करते हैं बाबा। ऐसी कृपा मिलती है इसके दरबार में आने के बाद। जरा एक बार ऐसे हाथ उठा और प्रेम से ताली बजा कर बोलो, जो कुछ बनो मासू अर्पण प्रभु सारो, प्रभु जी स्वीकार करो। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे सहारा, हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे। जरा उठा लो एक बार ऐसे वाले हाथ जिसको दुनिया का सहारा छोड़ ठाकुर का सहारा चाहिए। ताली में कंजू से लिए ताली बजा कर प्रेम से कह दो बाबा, और तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा, और तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई हमारा, नहीं कोई जीवन की सच्चाई है बाबा। अरे भाई और बंधु कुटुंब कबीला, 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 ये ताली बजे एक दो तीन चार, भाई और बंधु कुटुंब कबीला, भाई और बंधु बाबा, अरे बिगड़ी जो बा
गा सकते हैं ना हम भी। एक बार जरा उठा पूरे पूरे हाथ और मिलकर कह दो, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई है। अच्छा देखते एक बार पहले इधर वाले फिर एक बार इधर वाले किसकी आवाज ज्यादा तेज आती है। पहले इधर वाले, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। बोलो तेरे बिना, आप लोग हार गए। जरा उठाओ एक बार इधर वाले, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। बोलो तेरे बिना। कहते हैं कि एक नारी सब बर्बादी, पर आप इतनी सारी हो फिर भी आवाज नहीं आ रही। जरा एक बार मिलकर बोलो, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। बोलो तेरे बिना। ठीक है भैया, मिली जुली सरकार बन गई। कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा आघात है कि एक तरफ झांसी की रानी और एक तरफ महाराणा प्रताप है। जरा एक बार जो झांसी की रानी उठा लो ऐसे वाले हाथ और मिलकर ताली ऐसी बजाओ कि इन लोगों को भी पता पड़ जाए कि हम भी किसी से कम नहीं। देखो जिसने की शर्म उसके फूटे। हाँ एक बार उठा लो ऐसे हाथ और ताली ऐसी बजाओ कि इनको भी पता पड़ जाए कि अभी तभी दफ्तर में हमने भी नहीं बजाई जैसे इनने बजा दी। उठा के पूरे पूरे हाथ, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम, अरे तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा। जरा एक बार जो दरबार से मांगने आए, अच्छा इधर वालों को एक मिनट, ये मेरे जो बड़े आदरणीय बैठे ना आपके चरणों में नमन है। एक बार आप ऐसे वाले हाथ उठाओ अगर आपको भी दरबार से कुछ चाहिए तो। देखो ठंडी सबको लग रही, मुझे भी लग रही, लेकिन मैं गा रही हूँ ना हैं। एक बार हाथ उठा लो जिसको दरबार से चाहिए आज कुछ, ये उठा के पूरे पूरे हाथ और ताली बजा करके देना। हरे श्याम बाबा श्याम बाबा, हरे श्याम बाबा श्याम बाबा। जिसको चाहिए उठा लेना एक बार पूरे पूरे हाथ, कोई भी प्रेमी छूट ना जाए, बाबा तो लुटाने को बैठा है। जिसको चाहिए उठा के लंबे लंबे हाथ और बाबा से कह दो कि बाबा अरे भर देना, अरे भर देना झोली भर देना, अरे भर देना झोली भर देना। दरबार आया हूँ चरणों में तेरे अरदास आया हूँ। बोलो भाइयों के लिए बजनी चाहिए। क्यों क्यों आपके बासने में ऐसी जोरदार ताली बजती है क्या हैं? ताली ऐसी बजाओ कि उनको आनंद आए भैया, जोरदार ताली। ये बात एक बार जरा उठा लो पूरे पूरे हाथ और आपकी ताली ऐसी बजे जैसे मेरे ढोलक वाले भैया की ढोलक बज रही। ये उठाओ पूरे पूरे हाथ और ताली बजा के, एक दो एक दो।
दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरे सागर दीन दयाल दया के सागर फिर खाली। अरे मिलती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर मिलती मेरे तुम सुन लेना। अरे दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरी सागर मिलती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर। चलो उठाओ एक बार ऐसे वाले हाथ जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए बाबा, तो एक बार कह दो मिलकर की बाबा हर दुख हरे ना हर दुख हरे ना मेरे दुख हरे ना दुख हरे ना मेरे दुख हरे ना। तेरा गुण गाया हूँ दरबार आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो रंग लगाना होगा मैं मारूंगा बरमकारी। आप बताओ कौन कौन बाबा के साथ होली खेलने के लिए तैयार है? उठाओ ऐसे वाले हाथ जो होली खेलेंगे बाबा से और जो चाहते हैं कि ठाकुर आपके गालों पे उसके हाथ से कलर लगाए, तो उठा के एक बार पूरे पूरे हाथ लहराना बाबा से कहना कि बाबा अरे खेलूंगा केश। और मैं कहूंगी कि कलयुग का राजा तो बाबा की तरफ हाथ दिखा कर कहना खाटू नरेश। उठाओ एक बार ऐसे वाले हाथ सभी पीछे वाले भी उठाएंगे जरा मिलकर कह दो प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा। बोलो 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 प्यारा सा मुखड़ा अरे कलयुग का सहारे की मुझे आदेश हुआ है बाबा को भोग लगवा दे दीदी उसके बाद फिर बात की जी मुहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जात की ठाकुर को भोग लगाएंगे। ये उठा ले मैं इधर ऐसे समर्पण वाले हाथ और मिट्टी ताली बजाकर
Thank you.
रक्षा धनी, ओ भक्तों का दुलारा।